তো সহন ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ। पिछले पाठ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो साधक अध्यात्म के मार्ग पे चलता है तो यद्यपि पहले ही दिन उसमें पूर्णता नहीं आती है, अभ्यास से और वैराग्य से धीरे धीरे वो आगे एक एक कदम बढ़ाता है। गीता में भी यही कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और योग दर्शन में भी यही बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ता है, एक दिन में अभ्यास नहीं बढ़ता है। कोई व्यक्ति पहलवानी करता है तो एक दिन में पहलवान थोड़े बनता है, वर्षों लगते हैं उसको व्यायाम प्राणायाम करने में, अभ्यास करने में, तब कहीं जाकर के उसका बहुत स्ट्रोंग वज्र जैसा शरीर होता है। ऐसे ही कोई विद्वान बनता है तो कोई एक दिन में थोड़े ही बनता है, वो सतत कई वर्षों तक अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता है। और किसी ना किसी पुस्तक का अध्ययन, कुछ ना कुछ याद करना थोड़ा थोड़ा करते हुए। और कल हम वहां गए थे, एक आश्रम में गए थे, तो बहुत अच्छा मेरे को लगा। उन लोगों ने वहां पर एक नियम बना रखा है कि वो रोजाना गीता जी का एक श्लोक याद करते हैं, और ऐसे करते करते वो गांव की बहनी थी और उन्होंने मेरे को 165 श्लोक उन्होंने बनाए हैं, मतलब छांटे हैं कि ये हमें इतने दिन में याद करने हैं, 165 दिन में याद करने हैं। तो उसमें से उन्होंने लगभग 30-40 श्लोक मेरे को सुनाई, बहुत शुद्ध उच्चारण था। तो आप लोगों में तो कुछ कुछ तो पूरी की पूरी गीता याद करने वाले हैं, कुछ चुनिंदा अध्याय करने वाले हैं, लेकिन एक एक श्लोक तो प्रत्येक भाई बहन को याद करना चाहिए, चाहे वो सेवा वर्ग के हों या दूसरे हों। तो ये अभ्यास करते करते, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते फिर ज्ञान बढ़ता जाता है। तो यहां पर भी भगवान हमें बता रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजतो भजते माम अनन्य भाक। भले ही कोई सुदुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। जब कोई अभ्यास शुरू करता है किसी भी चीज का अपने जीवन में, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए अभ्यास कर रहा है, चाहे वो समाधि के लिए अभ्यास कर रहा है, चाहे वो विद्या अर्जन के लिए अभ्यास कर रहा है, तो हमेशा उन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, उनको हमेशा उत्साहित करना चाहिए, उनको कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आपको तो ये सूत्र याद होते नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे ये विद्या, ऐसे नहीं कहना चाहिए कभी भी उसको। आपसे ये व्यायाम नहीं होता, आपका तो शरीर मुड़ता ही नहीं है, इसलिए आप कभी भी नहीं बन पाओगे एक बलवान, ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो ये हमें एक दृष्टि भी दे रहे हैं, साधु रेवस है मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसका इरादा साधु है, उसका संकल्प नेक है, करते करते वो बन जाएगा। और भगवान तो कह रहे हैं उसमें भी देर नहीं लगेगी, क्षिप्रम एव भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाता है।
क्योंकि एक बार जब निश्चय हो जाता है तो सारी की सारी शक्ति वहीं लग जाती है ना फिर व्यक्ति की। जब तक व्यक्ति का निश्चय दृढ़ नहीं होता है तब तक फिर वो आगे पीछे होता रहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिर थोड़ा प्रमाद में आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है फिर थोड़ा नीचे आ जाता है, ऐसे चलता है जीवन में। लेकिन जब निश्चय एक हो जाता है कि आज तो वहां पहुंचना है, जाना है, तो जाना है तो फिर जाना ही है, फिर चाहे आंधियां आए बीच में, तूफान आए, बारिश आए, ओले गिरे, तो थोड़ी देर रुक जाएंगे, अपनी गाड़ी को रोक लेंगे हम साइड में, फिर चल पड़ते हैं, क्योंकि आज हमें वहां पहुंचना ही है। तो ऐसे ही हम जीवन में जब लक्ष्य तय कर लेता है कोई व्यक्ति, उसको ही यहां गीता में कहा था सम्यक व्यवस्थितो हि सः, जो आत्मा से निश्चय कर लेता है तो फिर वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, फिर उसमें देर नहीं लगती है, क्योंकि फिर उसकी सारी एनर्जी एक ही लक्ष्य को अचीव करने में फोकस हो जाती है। आप देखते नहीं किसी भी फील्ड में जो जिन्होंने एक कामयाबी को, एक मुकाम को हासिल किया है, चाहे वो कोई खेल के क्षेत्र का व्यक्ति हो, कोई कला के क्षेत्र वाला व्यक्ति हो, हॉलीवुड बॉलीवुड का हो, क्रिकेटर हो, या अन्य किसी खेल का हो, बॉक्सर हो, टेनिस खेलने वाला हो, या कोई पढ़ाई वाला हो, जिसने भी जिस फील्ड में एक मुकाम को हासिल किया है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं, सतत उनका ध्यान उसी पे रहता है, तो उनकी सारी एनर्जी वहां लग जाती है। तो फिर उनको जितनी उम्र में, आपकी उम्र के होंगे कुछ तो जिन्होंने इतनी बड़ी सफलताएं हासिल कर ली, 15, 20, 25, 30, 35, शंकराचार्य जी 35 साल की उम्र में तो चले ही गए थे, उससे पहले ही चले गए थे, और उन्होंने इतनी ऊंचाई को इतने कम समय में हासिल कर लिया, क्योंकि टारगेट एक ही था। ऐसे ही आप कितने लोगों को देखेंगे, तो वो ही बता रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये व्यक्ति जिसने आत्मा से ये निश्चय कर लिया है कि अब ऐसा बनना है तो बनना है, तो फिर वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, बहुत जल्दी ऐसे निकल के आता है। जैसे ही 2005 में जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये योग का कार्य शुरू किया तो बहुत लोग कहते थे, बोले इनका तो हमने कभी पहले तो नाम तो सुना नहीं, इनकी कोई पीठ का नाम नहीं सुना, इनके कोई गुरु परंपरा का कोई ऐसा प्रसिद्ध कोई पीठ होगी ऐसा हमने सुना नहीं, ये नया सन्यासी एकदम से ऐसे कहां से अभिव्यक्त हो गया, कहां से प्रकट हो गया, और फिर वहां से यात्रा चली, तो अभी तक आने में ये भी बहुत शॉर्ट टाइम है। इतना बड़ा कार्य जब देखते हैं तो 5 से लेकर के और अभी 19 तक, तो मात्र कितने वर्ष हुए, 14 वर्ष मात्र। तो 14 वर्ष में इतना विराट कार्य कर दिखाना, तो ये तो रॉकेट की स्पीड है ना। तो कैसे होता है ये, जिसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये जीवन किसके लिए है, केवल पुरुषार्थ और परमार्थ के लिए है, इसलिए उन दोनों महापुरुषों की शक्ति का एक एक कण और 24 घंटे का एक एक क्षण एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है, तो इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही फिर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, और फिर उनको कैसी शांति मिल जाती है, शाश्वत, उससे पहले जब तक धर्मात्मा नहीं बनते हैं तब तक शांति मिलती है, लेकिन वो फिर चली जाती है, थोड़ी देर के लिए तो मिलती है, जितनी देर के लिए धर्माचरण करते हैं, जितनी देर के लिए सात्विकता में रहते हैं तब तक तो शांति मिलती है, और जैसे ही राजसिकता या तामसिकता में जाते हैं, जैसे ही थोड़े आलस्य प्रमाद में जाते हैं, जैसे ही हम उस कार्य को करने में विघ्न कोई आ जाता है, वो टूट जाता है हमारा अभ्यास, तो फिर हम कैसे हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, तो वो हमारी शांति जो है वो शाश्वत नहीं है, निरंतर टिकने वाली नहीं है, वो बीच बीच में ब्रेक हो जाती है।
लेकिन इस धर्मात्मा की शांति कैसी होती है, एक बार प्राप्त कर ली तो फिर सदा सदा के लिए कर ली, फिर कभी भी अशांत नहीं होगा वो, क्योंकि दोष हट गए ना, तो निर्दोष जीवन कैसा होता है? तो योगी जैसे जीते हैं वो निर्दोष जीवन होता है। तो कहा, हे कौन्तेय, वो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, और प्रति जानी ही एक बात और जान ले तू, न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इस श्लोक को निशान भी लगा लें और कल इसको याद भी करके आए। तो हे कौन्तेय, तू ये निश्चित रूप से जान ले, प्रति जानी ही मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। जब कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगता है तो कई बार दूसरे लोग चिढ़ाते भी हैं, हाँ ये अभी बना है धर्मात्मा, हाँ ये अभी बनेगा पहलवान, हाँ ये अभी बनेगा विद्वान, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो वो कुछ भी कहें, लेकिन जब वो लगा ही रहता है अपने लक्ष्य पे, तो कभी भी मैं उसका नाश नहीं होने देता हूं। तो ये कितना बड़ा विश्वास दिला रहा है ईश्वर हमें, मतलब इतना कमिटमेंट होने के बाद तो आदमी दौड़ना चाहिए इस मार्ग पे। कि कितना बड़ा भरोसा दे रहे हैं हमें, हमें कोई यूं कहे कि आप चलो और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूं, बस तुम्हें निमित्त बनना है, केवल दौड़ो तुम, मैं हूं ना साथ। तो कोई व्यक्ति जब ये कह देता है किसी मुसीबत में या जीवन के प्रसंग में कि भाई जीवन में कभी भी कैसा भी मौका आए, किसी भी बल की तेरे को आवश्यकता हो, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, तो कितना आदमी को संबल मिलता है। व्यक्ति को लगता है कि भाई पीएम मेरे साथ है, सीएम मेरे साथ है, योग गुरु मेरे साथ हैं, कोई बड़ा व्यक्तित्व ऐसे कह देता है तो उसको संबल मिलता है ना। और ये तो सारी सृष्टि का मालिक हमें कह रहा है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उसी के कंट्रोल में सब कुछ, अनंत शक्तियों का जो भंडार है, ऐसा व्यक्ति हमें कह रहा है। उसको व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, ऐसी शक्ति हमें कह रही है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं होता है। तो ऐसी महान शक्ति हमें कह रही है, न मे भक्तः प्रणश्यति, कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो इस लाइन को पढ़ के मुझे लगता है कि संसार में किसी भी वर्ण आश्रम में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही वो ब्रह्मचारी हो, भले ही वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उस व्यक्ति को कभी भी धार्मिक रास्ते के ऊपर भयभीत नहीं होना चाहिए, और अच्छे कर्म करते हुए कभी भी अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा ये लाइन अपने सामने रखते हुए कभी भी अज्ञान से, अधर्म से, असत्य से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ेगा उतना ईश्वर उसको अपने हाथों में ले लेगा। एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था, भगवान का भक्त था वो, और उसके जीवन में एक दिन एक ऐसी कोई घटना घटी कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो वो समुद्र के पास चला गया, समुद्र के किनारे रहने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो पूजा कर रहा था समुद्र के पास बैठ करके, और उसने फिर बहुत ईश्वर को पुकारा। तो उसको रात को सपना आया और उसने देखा कि वो समुद्र के किनारे किनारे टहल रहा है और ईश्वर उसकी उंगली पकड़ के साथ साथ चल रहे हैं। तो उसने अगले दिन जाकर के देखा, क्योंकि ये स्वप्न उसको सुबह सुबह आया 4 बजे सी। तो कहते हैं सुबह आने वाले जो स्वप्न होते हैं वो दृष्टांत स्वरूप होते हैं, सच हो जाते हैं। उसने जाके देखा ये सपना था या हकीकत थी, तो वहां उसने जाके देखा तो सचमुच 2 प्रकार के पैरों के निशान थे, एक बड़े पैर के निशान थे और एक छोटे बच्चे के पैर के निशान थे, जैसा उसने देखा वैसे ही निशान उसको मिले वहां पे। तो उसने कहा यही तो मैंने देखा था और ये तो वैसे ही निशान है, मतलब एक बच्चा और एक बड़ा। लेकिन जब दिन आया तो उसकी जो भी मुसीबत थी
वो और ज्यादा बढ़ गई। तो उसने कहा कि ये तो मैंने सपना देखा था, उससे उल्टा ही हो गया। मैंने तो देखा था ईश्वर मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। फिर उसने बहुत ईश्वर से प्रार्थना की, पूरे दिन की, पूरी रात भी की। और फिर उसने सुबह, उसका नियम था वो रोज समुद्र के पास जाता था, तो उसने समुद्र के पास जाके देखा तो फिर उसको एक पैर के निशान दिखाई दिए, मतलब बड़े पैर के निशान दिखाई दिए केवल। तो फिर वो वहीं ध्यान लगा करके बैठ गया और उसने कहा कि कल तो मैंने दो पैरों के निशान देखे थे और आज तो मैंने एक ही पैर के निशान दिखाई दिए, तो मुझे लगता है कि ये आपके ही पैरों के निशान हैं। और मुझे लगता है कि जब ये सारा संसार किसी का साथ छोड़ता है तो आप भी उसका साथ छोड़ देते हो, मुझे लगता है आज आपने भी साथ छोड़ दिया। तो उसकी आत्मा में ईश्वर ने उसको आवाज देकर के बताया कि मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। जब उसकी ये दशा हो जाती है कि उसको सारा संसार छोड़ देता है तो मैं फिर उसकी उंगली पकड़ के नहीं चलता, मैं फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता हूं। इसलिए यहां आज एक ही प्रकार के निशान आपको दिखाई दिए, आज मैंने आपकी उंगली नहीं पकड़ी, आज मैंने आपको अपनी गोद में उठा लिया। तो ये समझाने के लिए घटनाएं होती हैं, क्योंकि ईश्वर ना कोई मनुष्य है, ना वो कहीं समुद्र के किनारे चलता है। तो ये कुछ कथानक होते हैं, कुछ प्रसंगों को समझाने के लिए। तो यहां पर ये जो पंक्ति है ये भी हमें यही बता रही है, न मे भक्तः प्रणश्यति, जो किसी भी भाव से मेरा भक्त है, जो चार प्रकार के भक्त बताए थे ना, किसी भी प्रकार का भक्त है, भले ही वो आगे आएगा 11वें अध्याय में कि कौन सा चारों में से कौन सा मुझे ज्यादा प्रिय है, उसमें भी कैटेगरी होती है ना। माँ के चार बच्चे हैं, बेटे बेटी, चारों ही उसको प्रिय होते हैं, लेकिन उनमें भी कोई एक ज्यादा प्रिय हो जाता है। कौन सा ज्यादा प्रिय हो जाता है? या तो प्रियाचरण करने वाला है वो ज्यादा प्रिय होता है, या तो जो ज्यादा जरूरतमंद है। जैसे माँ के एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, और छोटा जो है बड़े और छोटे में इतना अंतर है कि छोटा बिल्कुल ही छोटा है, अभी गोद में उठाने योग्य है, एक वर्ष का है, और बड़ा में इतना डिफरेंस है कि वो 15 वर्ष का हो गया, 14-15 वर्ष का हो गया। तो बड़े वाला तो कई सारे काम करता है, घर में पढ़ाई भी करता है, माँ का हाथ भी बंटाता है, और छोटा वाला है वो तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से माँ की शरणागति में है। इसलिए माँ दोनों के ही खाने की चिंता करती है, दोनों की ही सुरक्षा की चिंता करती है, लेकिन दोनों में भी ज्यादा चिंता कौन से की करती है? छोटे वाले की ज्यादा करती है, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं पाता ना अभी, पूर्ण रूप से वो माँ के ही समर्पित है, तो उसकी और ज्यादा चिंता करती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी भक्त, किसी भी प्रकार का भक्त, चारों में से जो अनन्य भाव से ईश्वर को भजता है, तो ईश्वर कहते हैं मैं उसका कभी नाश नहीं होने देता हूं। नहीं पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रातेपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, यो हि माम व्यपाश्रित्य, जो भी मेरे शरणागत होकर के, अप आश्रित्य, दो उपसर्ग लगाए इसमें, वि अप, जो विशेष रूप से मेरी शरण में आ गया है, तो हे पार्थ यो हि माम व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः, जो अनन्य भाव से विशेष रूप से मेरी शरण में आ गया है, तो वो भले ही पाप योनि वाले भी क्यों ना हो, और वो भले ही स्त्री वैश्य और शूद्र भी क्यों ना हो, तो भी वो यदि एक बार मेरी शरण में आ गए तो पराम गतिम यान्ति, श्रेष्ठ गति को, श्रेष्ठ ज्ञान को, श्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यान्ति प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां पर
ये विचार करने योग्य बात है कि एक तो कहा पाप योन यह, तो पाप योनि कौन है, और दूसरा इसमें विचार करने योग्य है स्त्रिय और वैश्य और तथा शूद्र, तीन शब्द कहे ना, तो क्या इनको इनके साथ पाप योनि शब्द जुड़ा हुआ है, या पाप योनि अलग से है, या स्त्रियों को क्या ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार नहीं है, तो ये शब्द क्यों प्रयोग किए, तो इसके ऊपर अनेक अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत हैं। तो इसमें जैसे कहा पाप योनि, चाहे वो पाप योनि वाले भी क्यों ना हो, और कुछ इसको जोड़ते हैं इन तीनों के साथ कि वैश्य शूद्र और स्त्रियां ये पाप योनि हैं, तो ये अर्थ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर वाले का संबंध नीचे वाली पंक्ति के साथ नहीं है। वहां पर पाप योनि का मतलब है जैसे हम मनुष्य की योनि को तो पुण्य योनि मानते हैं, और मनुष्यतर जो योनियां हैं उनको पाप योनि माना जाता है, तो कई बार क्या होता है उस योनि में भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि हमें जो अगला जन्म मिलता है जाति आयु भोग वो पिछले कर्माशय के अनुसार मिलता है, तो उसमें क्या होता है कई बार योनि माने शरीर धारण करने वाले जो संस्कार हैं वो तो बहुत अच्छे थे, और दूसरे फल जाति आयु भोग, तो जाति वाले संस्कार तो बहुत अच्छे थे, आयु और भोग वाले बहुत अच्छे नहीं थे, तो जाति तो मिलेगी मनुष्य की लेकिन भोग ऐसे मिलेंगे कि मतलब उसमें प्रचुरता नहीं होगी भोगों की, बहुत अभाव मिलेगा। तो आपने देखे ना ऐसे ऐसे भी तो मनुष्य होते हैं, मनुष्य योनि तो मिल गई लेकिन हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कभी तो पता नहीं कैसे कैसे शरीर मिल जाते हैं उनको, तो यद्यपि मनुष्य जीवन तो मिला लेकिन दूसरे भोगों की उसको प्रचुरता नहीं मिली। कई बार क्या होता है कि जाति वाले कर्म तो ज्यादा बलवान नहीं थे लेकिन दूसरे भोग वाले उनके कर्म बहुत बलवान थे पिछले जन्म के, इसलिए जाति तो मिली उनको कुत्ते आदि की या गाय आदि की, लेकिन भोग ऐसा मिला कि वो गाय जो है वो एसी में रहती है, कुर लगा के रखते हैं, गद्दे पे सुलाते हैं उसको, मनुष्य से भी ज्यादा उसकी सेवा की जाती है, तो भोग उसको मनुष्य से भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसको पाप योनिया कहें। तो पाप योनि माना जाता है सामान्य रूप से जो मनुष्यतर योनियां हैं उनको, तो ये प्रसंग है कि ऐसी आत्माएं फिर उस योनि में क्यों गई, तो उसके दो कारण हैं, उनके जो जाति प्राप्त करने वाले जो कर्माशय था वो उतना बलवान नहीं था, एक पक्ष। दूसरा पक्ष है जो गीता का प्रमाण है कि अंतिम समय जिसका चिंतन आ जाता है तो उसको उस योनि में जाना पड़ता है, तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है जड़ भरत का, भर्तृहरि जो थे ना, तो पूरे राज्य आदि सब छोड़ करके फिर जंगल में गए थे, तो वैराग्य तो पूरा था, अनासक्ति पूरी थी, धर्माचरण भी पूरा था, लेकिन वहां रहते रहते फिर नदी पे स्नान के लिए जाते थे और वहां वो एक हरिणी पानी पीने के लिए आई थी नदी पे, और जैसे ही इनके पैरों की आहट उसने सुनी तो वो डर करके भागने लगी वहां से, तो वो गर्भिणी थी तो उसका गर्भपात हो गया, तो वो तो मर गई फिर वहीं पर, उसकी माँ तो हरिणी तो मर गई, बच्चा रह गया नवजात शिशु, तो ये उनको अपने आश्रम में ले आए, साधु स्वभाव था ना दयालु, उसका पालन पोषण करने लगे और उसको अपने बच्चे जैसे ही उससे नेह हो गया, तो हम जिन जीव जंतुओं को भी अपने घर में पालते हैं ना तो उनके साथ भी फिर बच्चे जैसी ही प्रीति हो जाती है लोगों की, तो हिरण के बच्चे के साथ इनकी भरत की ऐसी ही प्रीति हो गई, तो जब वो शरीर छोड़ने लगे तो एकदम से उनको उसका याद आ गई स्मृति हिरण की, कि अभी मैं तो चला जा रहा हूं इसका क्या होगा, एक भाव आ गया आसक्ति का था ना, तो सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय में सूत्र है ना,
असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत्। असाधन का चिंतन करना भी बंधन के लिए निमित्त बन जाता है भरतवत्, भरत के समान, क्योंकि उन्होंने असाधन का चिंतन कर लिया अंतिम समय, हिरण का कर लिया, तो फिर वो ही चिंतन उनके बंधन का कारण बन गया, तो अगले जन्म में फिर वो हिरण ही बने। लेकिन हिरण तो बने, लेकिन उनकी जो उपलब्धि थी ना वो नष्ट नहीं हुई। और हमारे यहाँ तो वैसे भी अवतारवाद माने जाते हैं ना, वराह अवतार और वो केंचुए वाला कौन सा है, हैं, मत्स्येंद्र अवतार, ऐसे ऐसे माने जाते हैं। और मतलब जिनको हम निकृष्ट प्राणी बोलते हैं उन सब के भी अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे भी माना जाता है कि कभी कभी उन योनियों में भी अच्छी आत्मा आ जाती है। अच्छी आत्मा मतलब जिन्होंने दोष नष्ट किए थे, लेकिन उनका अंतिम चिंतन ऐसा रहा या एक प्रकार का कर्माशय ऐसा रहा जिसके कारण मनुष्य योनि उनको नहीं मिल पाई थी, तो उनको कहेंगे पाप योनि है। तो उस योनि में भी उनका उद्धार होता है। जैसे भरत का हम चर्चा कर रहे थे, तो जब वो हिरण की योनि में आए तो यद्यपि हैं तो हिरण वो, लेकिन वो हरी घास भी नहीं खाते थे, सूखी सूखी घास, सूखे सूखे पत्ते खाते थे कि कहीं हिंसा ना हो जाए मेरे से, और ग्रुप से अलग ही रहते थे कि कहीं दोबारा आसक्ति किसी में ना हो जाए। तो इस तरह से उनका जीवन था। तो ये बता रहा है कि उन योनियों में भी यदि कोई ऐसी आत्मा है, कई बार ऐसे देखते हैं कुछ प्राणी ना बहुत ही शरीफ प्रकृति के होते हैं, गाय आदि, जैसे गाय में भी तो दो तीन प्रकार की वैरायटी मिलेंगी, कुछ तो बहुत शरीफ होती हैं, बच्चे भी उनके गले से लिपट जाएं, लटक जाएं तो वो कुछ कहती नहीं है, शांत रहती हैं, या उसके स्तन में मुंह लगा के दूध पी लेते हैं तो भी कुछ भी नहीं कहती हैं, तो कुछ तो सींग मारती हैं और कुछ तो लात भी मारती हैं। तो उसमें भी अलग अलग संस्कार होते हैं, ऐसे मनुष्यों में भी अलग अलग होते हैं, कुछ मनुष्य भी सींग मारते हैं, तो ये सारे वही तो मनुष्य हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार के पाप योनि में जाने वाले भी यदि मेरी शरणागति में आते हैं तो मैं वो पराम गतिम यान्ति, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, परागति को ही प्राप्त करते हैं। तो नीचे वाली पंक्ति में जो तीन शब्द आए इसके ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।